हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, स्मॉल गार्डन में। फ्रेंड्स, ये देखिए शिमला मिर्च है जिसे मैं मार्केट से लाई हूँ। मैंने जानबूझकर जो है थोड़ा सा रेड हो चुका शिमला मिर्च लिया है। मैं इससे से सीड्स निकाल करके इसके पौधे उगाने वाली हूँ, तो आइए इसके जो है सीड्स कलेक्ट करते हैं। मैंने दो मिर्च को हटा दिया है क्योंकि पहले मैं दो को ही काट करके देखती हूँ कि इससे कितना सीड्स कलेक्ट हो पाता है। तो इस तरह से हमें कट करके इसके सीड्स को निकालना है। फ्रेंड्स, आप कोई भी शिमला मिर्च ला करके इसे पौधे नहीं उगा सकते हैं, इसके लिए जो चुन करके लाना पड़ता है। तो मैंने जो है मार्केट से इस तरह का जो शिमला मिर्च था, थोड़ा सा मैच्योर हो चुका और थोड़ा सा रेड हो चुका, तो मैंने उसी को लाई हूँ जो कि देखने से ही लग रहा है आपको। आप देख पा रहे हो कि देखने में कुछ अजीब सा ये कड़ा सा लग रहा है। इसके जो सीड्स निकल रहे हैं वो भी कुछ अजीब से सख्त हैं, तो इसी से पता चल रहा है कि मैच्योर है। और सीड्स मैच्योर होते हैं तभी जर्मिनेशन होता है इसका, नहीं तो वो बीज सड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है एक और शिमला मिर्च ले लिया है, यानी कि तीन शिमला मिर्च का मैं सीड्स निकाल रही हूँ। तो देखते हैं कितना सीड्स कलेक्ट हो पाते हैं। और फ्रेंड्स, सीड्स कलेक्ट करने समय एक और बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम सीड्स कलेक्ट करते हैं तो उसे 24 घंटा के भीतर ही हमें सॉइल में लगा देना चाहिए, नहीं तो वो सीड्स सड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, सीड्स जो है कलेक्ट हो चुका है, अब इसे मैं कल सुबह लगाऊंगी क्योंकि अभी जो है रात का समय है। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है, मैं सीड्स को लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए रात भर में किस तरह से यह काला पड़ गया है, अगर कुछ देर और छोड़ती तो ये सड़ जाता। तो मैं इस ट्रे में लगाने वाली हूँ और इस ट्रे में होल भी किया हुआ है, तो इस पर मैं कुछ रख देती हूँ। फिर इसमें जो है मैं मिट्टी को भर लूंगी, यह मेरे गमले की ही मिट्टी है, मैंने मिट्टी में कुछ नहीं मिलाया है। तो इस समय जो है मिट्टी में कोई भी फर्टिलाइजर ऐड नहीं करें। इस तरह से जो है मैंने सीड्स को हाथों में ले लिया है, अब मैं इस मिट्टी के ऊपर जो है स्प्रिंकल कर दूंगी इस तरह से। तो जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि सारे के सारे जर्मिनेट हो ही जाए। तो इस तरह से मैंने सभी को डाल दिया है, उसके ऊपर से जो है फिर से मैं मिट्टी को डाल दूंगी, पूरी तरह से कवर कर दूंगी, नहीं तो जो चिड़िया वगैरह है सीड्स को खा जाएंगी। तो हमें इसे अच्छे तरह से जो है मिट्टी से ढक देना है। फ्रेंड्स, मैंने भी जो है मिट्टी से अच्छी तरह से सीड्स को ढक दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि एक भी सीड्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। और अब जो है हाथ में इस तरह से पानी को लेकर के स्प्रिंकल कर देंगे और इसके सीड्स के जर्मिनेट होने तक इसे सेमी शेड एरिया में ही रखे रहना है। फ्रेंड्स, आपका 8 दिन बाद स्वागत है। देखिए, मैंने जो शिमला मिर्च का सीड्स लगाया था उसमें जो है जर्मिनेशन शुरू हो चुका है, ये आप देख रहे हैं, 4-5 प्लांट जो है निकले हैं। मैं इसे कुछ दिन और सेमी शेड एरिया में ही रखूंगी ताकि इसके कुछ और सीड्स जो है जर्मिनेट हो जाए, उसके बाद जो है मैं इसे धूप में निकाल दूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए 15-16 दिन बाद का सीन है, ये आप देख रहे हैं, करीब इसमें जो है 7-8 प्लांट दिख रहे हैं छोटे छोटे से। तो अभी तो इसी में रहेंगे, कुछ और बड़े होंगे तब इसे मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए पूरे 1 महीने हो गए हैं, अब इस प्लांट को देखिए, ये मैच्योर हो गए हैं दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करने के लिए। इसमें जो है 5 प्लांट बचे हैं, बाकी को जो है चींटियों ने खा लिया है। तो कोई बात नहीं, जितने बचे हैं मैं उतने को ही रिपोर्ट करूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी शिमला मिर्च का एक प्लांट है जिसे मैं 10 रुपीज में नर्सरी से खरीद के लाई हूँ। यह काफी छोटा प्लांट है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें जो है फ्लावर बर्ड्स लगे हुए हैं, तो इसके फ्लावर बर्ड्स को मैं हटा दूंगी तब इसकी रिपोर्टिंग में करूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके लिए सॉइल मिक्स तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैंने सॉइल लिया है रोड साइड की सॉइल है, और उसमें मैंने 4-5 मुट्ठी के करीब जो है वर्मी कम्पोस्ट लिया है, और ये नीम खली है करीब 2 मुट्ठी के लगभग में। फ्रेंड्स, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये रोड साइड से लाई हुई मिट्टी है, तो ये थोड़ा सा चिकनी है, तो इसलिए जो है मैंने इसमें थोड़ा सा रिवर सैंड मिला लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो पॉट आप देख रहे हैं, मैंने इसी तरह का 2 पॉट लिया है जिसमें दोनों मैंने होल कर रखा है, और इसके ऊपर जो है मैंने एक प्लास्टिक का ढक्कन रख दिया है। होल का कवर्ड होना जरूरी होता है फ्रेंड्स, तो अब इसमें जो है मिट्टी भर लेंगे।
तो फ्रेंड्स एक प्लांट को लगाने के लिए पॉट रेडी है, तो एक पॉट में मैं एक ही प्लांट को लगाऊंगी, तो इसमें से मैं निकाल लेती हूँ। अच्छे से इसे निकालना है फ्रेंड्स, ताकि उसके जो रूट्स है उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। मैंने सेफली जो है प्लांट को निकाल लिया है, ये देखिए कितने आसानी से जो है निकल गया। इसके रूट्स काफ़ी घने लग रहे हैं, तो मैं इसे लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे एक प्लांट जो है पॉट में लग चुका है। अब जो है नर्सरी से खरीद करके लाया गया जो प्लांट है उसे मैं लगाऊंगी। तो इस पॉट में भी मैंने होल कर रखा है और इसके होल को भी मैंने एक प्लास्टिक के ढक्कन से कवर कर दिया है। और मिट्टी भरने के बाद जो है फ्रेंड्स इस तरह से प्लांट को हम रख करके देख लेते हैं कि इसके लायक स्पेस खाली है या नहीं। इतने छोटे से प्लांट में फ्रेंड्स 3-4 फ्लावर बड्स लगे हुए हैं, तो इसे हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है इसका ग्रोथ रुक जाएगा। अब इसका जो पॉली बैग है उसे हम सावधानी से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो फ्लावर बड से उसे मैं हटा देती हूँ। ये देखिए किस तरह से निकला है। तो फ्रेंड्स जितने प्लांट्स है उतने तो प्लांटर है नहीं मेरे पास, तो ये 4 पौधे जो है बच गए हैं। तो फिलहाल मैं एक इस प्लास्टिक के डब्बे में लगा दे रही हूँ। बाकी 3 प्लांट जो बच जाएंगे उसे मैं किसी और पॉट में लगा दूंगी जिसमें पहले से और पौधे लगे हुए हैं। तो इस तरह से मैं एडजस्ट कर दूंगी बाकी 3। तो फ्रेंड्स सीड्स से जो मैंने उगाया था उसमें से एक और प्लांट मैं निकाल रही हूँ, जिसमें कि कुल 5 प्लांट थे। तो एक मैंने पहले लगा चुका है और एक अभी निकाल रही हूँ, तो इसमें से जो है 3 प्लांट बच जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जो है लगा दिया है। तीनों को मैंने जो है सेम मेथड से ही लगाया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा 3 प्लांट्स लग चुका है, इसमें से 2 प्लांट जो है बीच से लगाया हुआ है और एक जो मैं खरीद के लाई थी वो वाला है। अब हम इसमें वाटरिंग करके कुछ दिनों के लिए सेमी शेड एरिया में रखेंगे, उसके बाद जो है इसे पूरे खुले धूप में ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स जब इसमें फ्रूट्स लगेंगे तो मैं इसका अपडेट आपको जरूर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।